हे गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक है, आठवां महीना शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो हर एक गर्भवती महिला को जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे चलकर दिक्कत परेशानी होने बिल्कुल भी ना हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जल्दी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी लगने वाले हैं, तो अगर आप चाहती हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की वीडियो आपको टाइम से पहले ही मिल जाए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही हमारी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है, आठवां महीना लगता है, नौवां महीना लगता है, तो हमें धीरे धीरे डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताएं भी सताने लगती हैं। ऐसे में कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन, आपको लास्ट टाइम पे भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी चीज़ जैसे कि कोई भी भारी सामान है वो आप बिल्कुल ना उठाएं, ठीक है। दूसरी ज़रूरी चीज़ कि आपको तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपकी डिलीवरी नज़दीक है ना, तो टेंशन मत लीजिए। बच्चे के बारे में भी ज़्यादा मत सोचिए, डिलीवरी के बारे में भी मत सोचिए ज़्यादा कि कितना पेन होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, सिजेरियन डिलीवरी तो नहीं होगी। तो इस टाइप का आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, यानी कि तनाव से दूर रहना है। अगर आप तनाव से दूर रहेंगी तो दोस्तों आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी मदद होती रहेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, तो आपको दोस्तों ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है, एक ही स्थान पर कंटिन्यू काम नहीं करना है। ऐसे में आपको कमर दर्द की समस्या, पैरों में सूजन की समस्या, टांगों में ऐंठन दर्द की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें भाई आपको अभी से ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। आप काम करती हैं तो बीच में आप रेस्ट भी करिए, ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू काम करेंगी, ऐसा भी आपको नहीं करना है। आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अब जब आपकी प्रेगनेंसी का आठवां नौवां महीना शुरू हो जाए, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। आपको एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेनी है। बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत खाइएगा, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइएगा। ड्राई फ्रूट का सेवन आप ज़रूर करें आठवें नौवें महीने में, ठीक है। ड्राई फ्रूट खाने से आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और डिलीवरी के टाइम पर एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट का सेवन आप ज़रूर करें और अपने बेबी से हो सके तो बातें ज़रूर करें। आप पेट पे कभी कभार हाथ ज़रूर फिराएं और बातें ज़रूर करें, ठीक है। इससे होने वाले बच्चे को बहुत अच्छा महसूस होता है और आप भी टेंशन से थोड़ा दूर रह पाएंगी, ठीक है। जब आप खाना खाती हैं उस टाइम पर आपको तुरंत लेटना नहीं है। ये अक्सर हम लोग गलतियां कर देते हैं प्रेगनेंसी में, खाना खाया बिस्तर पर लेट गए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप खाना खाएं, मान लीजिए आपने इकट्ठा बहुत ज़्यादा खा लिया और आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया, तो आपको उस खाने को पचाना है। अगर वो खाना अच्छे से पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो होने वाले बच्चे को भी परेशानी होगी और आपको पेट संबंधी कई समस्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं तो थोड़ा टहल लें, 5-10 मिनट टहल लेंगी तो दोस्तों ये आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी मदद भी करेगा, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आपकी प्रेगनेंसी का नौवां महीना या फिर आठवां महीना लग जाए, तो उस टाइम पर आपको एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, ताकि बच्चे की जो पोजिशन है उसके बारे में पता चल सके। बच्चा अगर नीचे आ चुका है, हेड डाउन उसने कर लिया है, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसान से हो जाएगी। लास्ट टाइम पे अल्ट्रासाउंड कराना गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और जब डिलीवरी आपकी नज़दीक हो, डिलीवरी सिम्टम दिखाई देने लगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तुरंत हॉस्पिटल जाना है, सारी चीज़ें अपने बैग में रख लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ पर भी आपने ट्रीटमेंट कराया है, वो पूरी फाइल आप अपने बैग में डाल के ज़रूर ले जाएं, ओके। और खाने पीने में ज़्यादा ध्यान दें, ओके। एक्टिव रहें, कोई टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और प्रेगनेंसी से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।